28 अक्टूबर को अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कई चीजों को नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें निषिद्ध मानी गई हैं और उसका दुष्परिणाम उनके स्वास्थ्य तथा उनके होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। ज्योतिषाचार्य प्रदीप आचार्य से इस बारे में जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान खास रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। ये गर्भवती चंद्र ग्रहण के समय जो है गर्भवती महिलाओं के लिए जो है बहुत ऐसी चीज है जो विपरीत है ना, और ये राशि पर भी इनको जो है अलग रूप से रहना चाहिए। मतलब उनकी छाया जो है, चंद्रमा की छाया जो है उनके शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय जो है गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि भगवान की छवि को जो है ध्यान में रखते हुए, अपने दिल में रखते हुए जो है उनका मनन करनी चाहिए। उनको छूना नहीं है, मनन करते रहना चाहिए। भगवान की नाम जो है उच्चारण मन में से उत्पन्न होना चाहिए। गोबर का लेप जो है, गाय का गोबर जो है अगर मिले तो उसको जरा सा लेकर अनामिका मांगुली में लेकर करके और अपने नाभि के पास केवल लगाना चाहिए, पूरे पेट पर नहीं, केवल नाभि के पास है। नाभि से तो है ना, नाभि के पास रखने के बाद जो है जहाँ ब्रह्मा जी जन्म दिए थे उस जगह लगने के बाद गौ से ही उनकी शुद्धि होती है, गौ के गोबर से ही शुद्धि मिलती है। और उसे लेप लगने के बाद फिर उनके ऊपर कोई भी छाया चक्र जो है खंड चंद्र ग्रहण का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें है कि अगर ग्रह चक्र जो है जैसे हर एक राशि पर अगर उन महिलाओं अगर रह गए तो उन महिलाओं को चाहिए कि हर एक चीज से वर्जित रखनी चाहिए, बचना चाहिए। उसमें ये रखना चाहिए कि भगवान की छवि को ध्यान में रखते हुए और नहीं हो तो लोटा में जल भर करके रख देनी चाहिए उस घर में जिस घर में वो पड़े रहे। भोजन नहीं, भोजन तो बनेगा ही नहीं, भोजन नहीं बनाना है, तेल को नहीं छूना है ना, घी को नहीं छूना है, जल को नहीं छूना है ना, भोजन सामग्री को नहीं छूना है, अपने परिवार से दूर ही रहेंगे है ना, उनसे स्पर्श नहीं करना है। यहाँ तक बच्चे को भी जो है, छोटा बच्चा रहेगा दूध पिला तब तो उसको कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा रहे तो उसको भी नहीं स्पर्श होना चाहिए। वो तो अब अस्त्र शस्त्र का तो प्रयोग तो नहीं करनी चाहिए, जैसे सुई है, धागा है, मशीन पर बैठना, कपड़े को सीना, ये सब तो वर्जित है ही, समझे कि नहीं, ये सब सारी चीज तो वर्जित उनका उनके लिए तो है ही, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि ये चीजों पर ध्यान भी नहीं पड़नी चाहिए, ध्यान भी नहीं पड़नी चाहिए। छूना तो एक दूर की बात है लेकिन ध्यान भी नहीं, नजर भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कहीं पर जो है खड़ग टंगा हुआ है, चाकू है, या तो फिर हंसो है ना, इस सब पर ध्यान नहीं पड़ेगा। उस समय जो है ग्रहण लगने के पूर्व 4 घंटा पहले उस सब चीजों